बीडीएम का बुध से सड़कों पर आने का ऐलान। हुकूमत मुखालिफ मुल्की एहतजाज शुरू किया जाएगा। सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क भर में रैलीज निकाली जाएंगी, पहिया जाम हड़ताल होगी, बात लॉन्ग मार्च तक जाएगी। हुकूमत का खाने पीने की अशा की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला। महंगाई से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की ज़खीरांदोज़ों और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पेश की जाएगी। तहरीक आदम एतमाद पर BAP के 11, BNP के 2 और PTI के 1 रुकन असम्बली ने दस्तखत किए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ और मुतहदा अपोजिशन के अरकान ने आज़ाद रुकन सूबाई असम्बली नवाब असलम रईसानी से मुलाकात की। नवाब असलम रईसानी ने अपोजिशन और BAP के नाराज़ अरकान की हिमायत का ऐलान कर दिया। महंगी बोली के बायस 90,000 टन गंदम की दरामद का टेंडर मनसूख कर दिया गया। गंदम पास्को और खैबर पख्तूनख्वा के लिए दरामद की जानी थी। महंगी बोली के बायस चीनी की दरामद का 50,000 टन का दूसरा टेंडर भी मनसूख कर दिया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुकूमत का जेलों में कैदियों की सजाओं में 90 रोज़ की कमी करने का ऐलान। वजारत दाखिला ने सूबाई दाखिला सेक्रेटरीज को नोटिफिकेशन भिजवा दिया। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने नामीबिया को 7 विकेट से हरा दिया। साबिक आलमी चैंपियन ने 97 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल किया। इससे पहले आयरलैंड ने नेदरलैंड्स के खिलाफ बासानी 7 विकेट से फतह हासिल की। आयरिश टीम के कर्ट स्कैम्फर ने 4 गेंदों पर 4 विकेट हासिल कर ली। मेगा इवेंट में कल भी 2 मैच खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहले वार्म अप मैच में वेस्टइंडीज़ को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने 131 रन का हदफ 15.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम ने 50 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप देखिए सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बैटिंग के बादशाह इंजमाम उल हक, स्पिन बॉलिंग के जादूगर तौसीफ अहमद और मुश्ताक अहमद, T20 के स्टार फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक खिलाड़ी मरीना इकबाल और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के दौरान माहराना राय और दिलचस्प और बेलाक तबसरों के साथ। सेंट्रल पंजाब इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप गवर्नमेंट हाई स्कूल किला लक्ष्मण सिंह लाहौर ने जीत ली। फाइनल में DPS फैसलाबाद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इनामात तकसीम किए। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के रुकन लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने स्कूल क्रिकेट के टैलेंटेड बच्चों को कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है।